सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आपके घर में परेशानी है, सारे काम छोड़ो, सबसे पहले जो है मीटर रिचार्ज करो, क्योंकि मीटर रिचार्ज नहीं होगा तो पानी की भी एक घूंट नहीं मिलेगी। क्या इससे बड़ा अन्याय कोई हो सके? ये मीटर दीवारों पर नहीं ठुका, ये मेरी छाती पर ठुकोगे। संगठन में मरेंगे, संगठन में, जिसकी मौत पर भी हजारों हाथ लगेंगे। रोकेंगे और नहीं तो जैसे भी लड़ाई लड़ी जाएगी, वो पहले शांतिपूर्वक लड़ेंगे, फिर इसके बाद में तन और मन धन और जान से भी लड़ेंगे। अगर हर गांव में इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिए तो जो रीडिंग है, जो बिल निकालने वाले हमारे भाई काम कर रहे, इस देश में से 13 लाख लोग बेरोजगार होने वाले। और आम जनता से एक बहुत बड़ी वसूली की टारगेट लेकर चल रहे। मजदूर एकता जिंदाबाद, बिजली निजीकरण बंद करो, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, घर में हरज मरज है, बीमार आदमी पड़ा, पीछे खत्म बिजली, गुल पंखा भी नहीं चला सकते, कूलर भी नहीं चला सकते। हाँ, चौहान साहब कह रहे जिंदगी के लिए पानी तो सबसे ज्यादा जरूरी है, पानी के बिना तो जिंदगी संभव नहीं है। ये पानी भी बिना बिजली के नहीं निकल सकता। किसी का आज बहुत है नहीं है तो अब तक ये था कि भाई आगे पीछे करके हम जो है अपना बिल भर लेते, महीने दो महीने का इकट्ठा भर लिया। अब जो है स्मार्ट मीटर लग जाएगा, वह तमाम गुंजाइश खत्म। आपका जाकत बीमार पड़ा, आपके घर में परेशानी है, सारे काम छोड़ो, सबसे पहले जो है मीटर रिचार्ज करो, क्योंकि मीटर रिचार्ज नहीं होगा तो पानी की भी एक घूंट नहीं मिलेगी। क्या इससे बड़ा अन्याय कोई हो सके? एक मौत तो है जो घर में घुट घुट का मरेंगे, ये मीटर दीवारों पर नहीं ठुका, ये मेरी छाती पर ठुकोगे। एक तो ऐसा है घर में पड़े पड़े सिसकते रहो, निराशा में, उदासीनता में किले पड़े पड़े रोते रहो और मर जाओ। एक ऐसा एक आगे बढ़ो, संगठन में मरेंगे, संगठन में, जिसकी मौत पर भी हजारों हाथ लगेंगे। एक एक किसान जो है कर्जे में दबा हुआ बैठा, सरकारी आंकड़ा बता रहा कि 1.5 लाख रुपए का कर्जा जो है प्रति किसान पे है देश के। मनु कह रहा 6-6, 7-7 लाख के तड़े है हम, सोसाइटी के कर्जे मेरे पे, बैंक के कर्जे मेरे पे, रिश्तेदारों के कर्जे मेरे पे, कोई ब्याज में दे उसका कर्जा मेरे पे, और जो कुछ फसल हो इसका कोई दाम नहीं है। हमारी मांग सबसे पहले तो यही है कि जो बिजली है वो हर एक मजदूर हो, किसान हो, उनकी एक मूलभूत आवश्यकता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इसी तरीके से बिजली भी उनकी मूलभूत आवश्यकता है। और सरकार की जिम्मेवारी है कि वे अपनी जनता को बिजली दे, सस्ती बिजली दे, किसानों को, मजदूरों को, जैसे पहले था। पहले हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ यहाँ पर क्रॉस सब्सिडी का सिस्टम था, उद्योगपतियों को और शहरों में बिजली महंगी थी और गाँव की जनता को बिजली सस्ती दी जाती। उसके पीछे का एक पूरा कारण था कि जो उद्योग है उसमें लगातार नई नई मशीनरी आ रही, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दिन में
जैसे हम उसका एक उदाहरण दे सके गुड़गांव का, वहाँ पे एक पूरी एक कंपनी है होंडा की जो गाड़ी बनावे, उसके अंदर 3 चेन चले, हर 57 सेकंड में एक गाड़ी तैयार हो रही, उसके बाद वहाँ पे अब 44 सेकंड में हो लगी, जिस पर वहाँ के मजदूर ने आंदोलन भी किया था। लेकिन कृषि के अंदर, खेती के अंदर कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि आज हम बीज बो दें और 57 सेकंड में उस पर अनाज लग जाए और वो फसल तैयार हो जाए। और जो मजदूर हैं, जब आप मनरेगा के तहत उन्हें 178 रुपये दे रहे और वो भी आप पूरे 365 दिन उन्हें रोजगार नहीं दे रहे, तो आप उनसे महीने में 3000 रुपये बिल की सादर वसूल लोगे। ये हमारी मांग है कि जो बिजली का निजीकरण है इसे बंद करा जाए। पहले ही सरकार ने लगातार नौजवानों से उनका रोजगार छीन रही। अभी इस देश में 6 लाख लगभग 29,000 के करीब गांव हैं। अगर हर गांव में इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिए तो जो रीडिंग है, जो बिल निकालने वाले हमारे भाई काम कर रहे, इस देश में से 13 लाख लोग बेरोजगार होने वाले। क्या होगा? इतना मोटा नुकसान है कि इसे हम सहन नहीं कर सकते, इसको सहन नहीं कर सकते। हम तो एक मजदूर हैं, किसान हैं, हमारे हमारी जो फसल है उसका भी टाइम पे पैसा नहीं दे रही सरकार, तो हम इसे सहन कैसे कर सकेंगे? तो इसीलिए हम जो है इसको रोकने का प्रयास करेंगे और जहाँ तक भी होगा रोकेंगे, और नहीं तो जैसे भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो पहले शांतिपूर्वक लड़ेंगे, फिर इसके बाद में तन और मन धन और जान से भी लड़ेंगे। गाना फेरे बसंती रंग, वो करने पड़े जोर की जंग, वीर मरद संग सारे, रमाई तान कैस हो गया, देश मेरा सायू हो गया, ए बे जाग नींद ते प्यारे, तेरे पाग उजड़े ते जारे। आप लोगों की जो संपत्ति है उसे कौड़ियों के दाम पे, निजी मुजी पूंजीपतियों को कौड़ियों के दाम पे बेचा जा रहा, और आम जनता से एक बहुत बड़ी वसूली की टारगेट लेकर चल रहे। अब से पहले भी जिले वाइज बिजली विभाग का मैं अगर हमने जो भी संघर्ष कराया उसमें पता चला कि जिले वाइज टारगेट आवे, आप लोगों पे गलत तरीके से बिजली के बिल थोपे जा, जिसका बिल 1000 रुपए था, 800 रुपए था, 400 रुपए था, 2017 से कई सफात गई अगर हम हिसाब लगावे, आज जो है वही बिल 4000 रुपए क्रॉस कर गया, गांव गांव का 4000 रुपए क्रॉस कर गया। और जो वादे 300 यूनिट फ्री के सरकार ने किए थे कि घर घर की 300 यूनिट फ्री होगी और उसके बाद में चार्ज लिया जाएगा, उस वादे का भी अता पता नहीं है। और किसानों को कहा गया था कि बिजली फ्री होगी, पर उस पर इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन पे भी लगातार दबाव डाला जा रहा कि, और ये तय है क्योंकि सरकार ने जो है तय कर रखा कि जो कंपनियां हैं तभी पूरी तरीके से निजीकरण को अपने हाथ में लेंगी जब घर घर एक एक ट्यूबवेल पे जो है मीटर लगा दिया जाएगा। और मिल जो है 20 साल चला गया हुआ है, 20 साल तक, और आज लोग का नवंबर में जिलेटा का दी नवंबर में, उसका जो है दिसंबर लोग का ही पैसा आया। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, कुछ धंधा नहीं है, और पैसा मिल नहीं रहा। 20 साल हो लिए किसानों का बूझ ले, 20 साल हो लिए और आज भी यही हालत है, जो पैसा आज तक नहीं दिया। पता इस देश के किसानों का, जो अगर बिजली प्राइवेट हो गई, जो 1947 में इस देश की आज़ादी में इस देश के किसान मजदूरों ने अपनी पूरी हर तोड़ खून पसीना लगा के इस देश को आज़ाद कराया था, लेकिन 1990 तक आते आते इस देश की सरकारों ने WTO के माध्यम से इस देश की बिजली, जो सार्वजनिक क्षेत्र था, एक सार्वजनिक उद्योग था इस देश के किसानों के लिए, पूरे बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, यहाँ तक कि पूरे देश के लिए जो सार्वजनिक टेबल एक विभाग बनाया गया था, सिंचाई विभाग, जिसके माध्यम से पूरे किसानों को एक फ्री बिजली मिलती थी, उसके लिए कोऑपरेटिव एक सोसाइटी होती थी, वो तमाम तरीके से आज खत्म कर दी गई। बिजली निजीकरण होने का मतलब है कि बड़े बड़े लालाओं का फायदा, हमारे किसान मजदूर का एक रुपये का फायदा नहीं होगा। इस सरकार ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, लेकिन आज किसानों की हालत देख लो, उनके ऊपर कर्जा डबल हो गया है, चाहे उन पर बैंक का कर्जा हो, चाहे साहूकार का कर्जा हो, चाहे रिश्तेदारों का कर्जा हो। इस देश के किसानों के ऊपर आज सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन आज की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए अपना वोट बैंक लेके यहाँ से चली जाती हैं। बताया जाए, समझाया जाए, उसके कान में जू नहीं रेंग रही कि इस देश के किसानों की क्या हालत हो गई है, कि आज समस्या एक घर की नहीं है, एक जिला की नहीं है, एक गांव की नहीं है, पूरे देश की है। इस देश के लोगों को एक होना पड़ेगा। आंदोलन ही रास्ता, संघर्ष ही रास्ता है, पढ़ाई लिखाई ही रास्ता है।
तो हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी जो ये मांग है दस एक और इसमें मलकपुर की पेमेंट नहीं देता मलकपुर भी इसे भी जोड़ लो और ये ज्ञापन होगा।